हेलो एवरीवन, मैं होप करदा कि तुसी पहला वाले लैक्चर भी रीड किए होंगे। ठीक है, सो अपना जो नैक्सट टॉपिक जो है वह है लाइनैक्स बेसिक कमांड्स। जी लाइनैक्स विंडो लाइनैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वह अपन कि कमांड्स यूज होंगे ने किसी भी काम करने वास्ते। ठीक है, मोस्टली ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कमांड्स यूज होंगे ने, काफ़ी ज़्यादा होंगे ने, बट आप अज उन्होंने मोस्टली 35 के नीयर अबाउट जो कमांड्स ने उन्होंने आप करा उन्होंने वर्किंग देखा की है। ठीक है, पहली कमांड है PWD कमांड। ठीक है, ये कमांड कहदे वास्ते यूज होंगी है, टू फाइंड आउट द पाथ ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी यू आर इन। आप जिहड़ी डायरेक्टरी या जिहड़े फोल्डर दे विच काम कर रहे हैं, जे आप उहदा पाथ देखना होवे तां आप PWD कमांड है जिहड़ी वह यूज करते हैं। ये अपन रिटर्न करती है एबसोल्यूट पाथ, विच इज़ बेसिकली पाथ ऑफ ऑल द डायरेक्टरीज दैट स्टार्ट विद द फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये मतलब कि हर डायरेक्टरी का अपन पाथ दसदी है, जिदे कादे तो स्टार्ट होंदिया ने, फॉरवर्ड स्लैश तो स्टार्ट होंदिया ने। ठीक है, जिवें नीचे दी एग्जाम्पल दिती हुई, जिवें अपने होम, फिर उस तरह फिर स्लैश है, फिर यूजर नेम। ठीक है, इस तरह अपन किसी भी डायरेक्टरी का जिहड़ा पाथ अपन पता लग जाए। सैकेंड कमांड है CD कमांड, टू नैविगेट थ्रू द लाइनैक्स फाइल्स एंड डायरेक्टरीज यूज द CD कमांड। ठीक है, जो आप फाइल्स के डायरेक्टरीज़ के काम करना है तो आप CD कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, यह की ये वास्ते की रिक्वायर होंगे, अपन फुल पाथ और द नेम ऑफ द डायरेक्टरी डिपेंडिंग ऑन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिहड़ी डायरेक्टरी के काम करता वह अपन फुल पाथ या फुल नेम चाहिए होंगे। ठीक है, जिवें अपने की किया, जिवें अपने डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी के काम कर रहे हैं तो आप कर अपने को नेम फुल नेम की चाहिए, अपन होम यूजर नेम डॉक्यूमेंट्स, तो अपन उस तरह फोटोज़ पर जाना है तो आप जी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के सब डायरेक्टरी बनी हुई है तो आप लिखा CD फोटोज़। ठीक है, तो नाल दी नाल फोटोज़ वाला फोल्डर है डायरेक्टरी है जी ओपन हो जाएगी। ठीक है, जे आप नवी मतलब कि बिल्कुल नवी डायरेक्टरी के जाना है, जिवें उतना डॉक्यूमेंट्स के फोटोज़ नाँ की डायरेक्टरी फोल्डर से जाना सी, बट जे आप नवी डायरेक्टरी जाना है तो आप डॉक्यूमेंट्स की जगह नवी डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे। जो मान के चलो जो आप मूवीज़ नाँ की डायरेक्टरी जाना है तो आप लिखा CD होम यूजर नेम मूवीज़। ठीक है, तो अपने को शॉर्टकट्स ने CD कमांड यूज़ करने वास्ते, पहला है CD ... जो आप एक डायरेक्टरी तो बाहर आना है CD, जो आप बिल्कुल कल्ली CD, जो आप बिल्कुल होम फोल्डर के उपर जाना है CD तो बाद एक हाइफन पाना है। ठीक है, जो आप जी आप इस तो पिछली डायरेक्टरी के काम कर रहे थे वो उत्ते जाना। ठीक है, शॉर्टकट्स ने ज़्यादातर जिम्मे आप मान के चलो जिम्मे CMD यूज़ करते हैं ना, कमांड जी कमांड लाइन होंगी अपनी ये विंडोज़ के ब्लैक स्क्रीन वाला। ठीक है, उवें ही लाइनैक्स के भी एक स्क्रीन मतलब कि स्क्रीन होंगी CMD की तरह, वो इन्हों कमांड्स का आप यूज़ करते हैं। नैक्सट कमांड हैगी अपनी इज कमांड। ठीक है, इज कमांड कितने यूज़ होंगी है, द इज कमांड यूज टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी। जो आप किसी भी डायरेक्टरी के कंटेंट्स देखने हो तो आप इस कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मतलब कि मान के चलो भी जिवें पहला किया किसी भी डायरेक्टरी का नेम तो पहला आप इज़ लिख देंगे, इज होम यूजर नेम डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इस कमांड के यूज़ होंगे, जो आप इस दे नाल आर ला दें हाइफन पा के तो आपको लिस्ट दिखा देगी जो सब डायरेक्टरीज़ ने उन्होंने। ठीक है, उस तो बाद जो आप हाइफन पा के स्मॉल ए का यूज़ करते हैं तो आप हिडन फाइल्स है जीडिया शो करेगी, और जे इस दे नाल आप हाइफन पा के AL साइन यूज़ करते हैं तो वह लिस्ट करेगी अपन सारे की लिस्ट शो करेगी जिहड़ियां फाइल्स के डायरेक्टरीज़ ने पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दे नाल, उन्हां दी परमिशन, उन्हां दा साइज़, उन्हां दा ओनर सब कुछ। ठीक है, जो भी उन्हां दे कंटेंट्स की फुल मतलब कि डिटेल आप शो कर देगी। नैक्सट कमांड हैगी कैट कमांड। कैट कमांड की है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीकुएंटली यूज कमांड्स इन लाइनैक्स इट यूज टू लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ फाइल ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, ये अपन वो फाइल्स के कंटेंट्स में शो करेगी जी स्टैंडर्ड आउटपुट के उपर शो होंदियां ने, ये वास्ते आप यूज़ करा कैट स्पेस दे EXT। ठीक है ना, तो होर आप किवें यूज़ कर सकते हैं, कैट पा के उस तो बाद वाला साइन पा के फाइल नेम न्यू फाइल क्रिएट करने वास्ते, जिन्हें जिन्हें आप फाइल्स में क्रिएट करना है ज जोड़ना है आपस दे विच, आप उस हिसाब नाल फाइल्स दा इहदे नाल रेफरेंस देंदे जावांगे। नैक्सट हैगी अपने को CP कमांड। CP कमांड की होंगी जो आप फाइल्स में कॉपी करना हो,
ठीक है। सिंपली ये कमांड नू यूज़ कर रहे हैं आपां, ये देखो सीपी लिख के सिनरी डॉट जी पी जी, ये वाली फोटो आप कॉपी करनी है पिक्चर्स ना दे फोल्डर दे विच, अपने उत्थे जाके जी है सेव हो जाएगी। उस तरह हैगी है एम वी कमांड। एम वी कमांड कहदे वास्ते यूज़ होंदी है, ये जो आप फाइल्स नू एक डायरेक्टरी तो दूजी डायरेक्टरी दे विच मूव करना होगा, ठीक है ना। उस तो बाद जिवें फाइल्स नू रीनेम करना है, तां वी आप रीनेम कर सकते हैं इस तरह, पहला पिछला नेम, उस तो बाद जो न्यू नेम देना उन्होंने दे सकते हैं डॉट ई एक्स टी ए, जो आप एक्सटेंशन है वो यूज़ करा, ठीक है ना। उस तो बाद एम के डी आई आर, एम के का मतलब है जो आप न्यू डायरेक्टरी मेक करना, कोई भी आप न्यू डायरेक्टरी बनानी है तो आप एम के ना की जी मतलब कि कमांड है वो यूज़ करा, ठीक है ना। ये नीचे तो एग्जाम्पल्स ने, इस एग्जाम्पल्स तो तुम देख सकते हो अपने किमें किसी भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, किमें इन्हों कमांड का यूज़ करते, ठीक है। आर एम डी आर डी आई आर, ये जो आप किसी भी डायरेक्टरी डिलीट करना है तब एट कमांड नू यूज़ करा। आर एम कमांड होंगी है जो अपने किसी भी डायरेक्टरी के अंदरों किसी होर डायरेक्टरी डिलीट करना है। आर एम डी आई आर सी जो आप मेन डायरेक्टरी रिमूव करना है, जो आप डायरेक्टरी के अंदरले डेटे रिमूव करना तो आर एम कमांड यूज़ करा। नैक्सट हैगी टच कमांड, टच कमांड करती है जो अपने कोई भी न्यू फाइल जी खाली न्यू फाइल बनानी है तो उदो आप टच कमांड यूज़ करते। लोकेट कमांड क्या वास्ते होंगी है, ये लोकेट करती है किसी भी फाइल में, जो मतलब कि आप सर्च करते हैं किसी भी फाइल में सर्च करना हो तो आप लोकेट कमांड का यूज़ करके करा, जिद जी कोई भी अपने ऑप्शन है जो कोई भी फाइल का नेम दिता जिते भी पई होगी अपन लोकेशन है जी आप सर्च करके दस देगा। फाइंड कमांड, फाइंड कमांड कहदे वास्ते यूज़ होंदी है, ये सिमिलर होंदी है लोकेट कमांड की तरह, भी जो अपने कोई भी डायरेक्टरी या फाइल्स नू फाइंड करना तो आप थ्रू कर सकते हैं। ग्रैप कमांड, ये ग्रैप कमांड यूज़ होंदी है जो अपने किसी भी फाइल के विचों कुछ मतलब कि टैक्सट फाइल्स नू यूज़ करना होवे, उन्होंने कुछ सर्च करना हो। सूडो कमांड यूज़ होंदी है एडमिनिस्ट्रेटिव और रूट परमिशनज वास्ते। डी एफ कमांड यूज़ होंगी है जो आप सिस्टम की डिस्क स्पेस बारे नॉलेज लैनी होनी स्पेस है वो यूज़ हो। डी यू कमांड, डी यू कमांड चैक करती है भी कोई भी फाइल या डायरेक्टरी ने किन्नी स्पेस है जी मैमरी के यूज़ की। हैड कमांड, हैड कमांड यूज़ होंगी है भी किसी भी टैक्सट फाइल के जोड़िया फस्ट लाइनज ने किड़िया ने भी हैडिंग देखने, ठीक है। और टेल कमांड कहदे वास्ते यूज़ होंदी है, ये मतलब कि लास्ट 10 लाइनज ने जिहड़ियां आपां नूं किसी भी टैक्सट फाइल दियां शो करती है। हैड दे नाल स्टार्टिंग वाली लाइना शो होंदियां ने, टेल दे नाल एंडिंग वाली लाइना शो होंदियां ने। डिफ कमांड, डिफ कमांड की करती है, ये दो फाइल्स नूं लाइन बाय लाइन कंपेयर करती है। टार कमांड यूज़ होंदी है अची मल्टीपल फाइल्स इन टार बॉल कॉमन लाइनएक्स फाइल, जो आप एक फाइल के जिप फॉरमैट के किसी फाइलों इकट्ठा करना तो आप टार कमांड यूज़ करते। सी एच एम ओ डी कमांड होंदी है, यह मतलब कि यह रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन फाइल से डायरेक्टरियाज़ दे विच यूज़ कर चेंज करने वास्ते होंदी है, ठीक है। रीड राइट मोड जो आप चेंज करना हो, परमिशन चेंज करनी हो तो आप एक कमांड यूज़ कर लें। चोन कमांड कहदे वास्ते होंदी है, यह करती है अपन ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ फाइल, जो अपने मतलब कि यूजर नेम चेंज करना किसी फाइल का। जॉब्स कमांड यूज़ होंदी है, जो सारिया करंट जॉब्स मतलब कि शो करनिया ने लिस्ट शो करनी। किल कमांड यूज़ होंदी है, जो अपने को अनरिस्पोंसिव प्रोग्राम है उन्होंने टर्मीनेट करना, आप खत्म करना किसी भी प्रोग्राम में। उस तरह पिंग कमांड, पिंग कमांड यूज़ होंदी है जो अपने किसी भी सर्वर की कनैक्टिविटी का स्टेटस चैक करना। वी डबल्यू गैट कमांड होंगी है, यह मतलब कि सब तो ज़्यादा यूज़ होंगी है, यह यूज़ होंगी है इंटरनेट तो जो आप फाइलों डाउनलोड करना। यू नेम फाइल, यह कमांड यूज़ होंगी है, यह यूनैक्स नेम का शॉर्टकट है, यह अपन इनफॉर्मेशन शो करती है मशीन नेम ओपरेटिंग सिस्टम अपने मतलब कि सिस्टम का सारा कुछ जी डिटेल है वो शो करती है। टॉप कमांड यूज़ होंगी है, जो अपने को टास्क मैनेजर है विंडो के ओपन करना है, वह लिस्ट भी अपने देखना भी अपने सीपीयू के कि प्रोसैसिज ने मौके पर रन कर रही ने, तो टॉप कमांड यूज़ कर दें। हिस्ट्री कमांड, हिस्ट्री कमांड आपको कर दी है भी जी हंड मतलब कि हर दिन अपने कमांड्स यूज़ करते रहने भी कि कमांड इस तो पहले आप यूज़ कितिया ने उन्हों की डिटेल दसदा। मैन कमांड यूज़ होंगी है,
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਲਾਈਨਕਸ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਵ ਸਮ ਡੇਟਾ ਇੰਟੂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ, ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਜੌਨ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਪ ਅਨ ਜਿਪ ਕਮਾਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਪ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਪ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਨਜਿਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਪ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਹੋਸਟ ਨੇਮ ਕਮਾਂਡ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਸਟ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ਰ ਐਡ ਔਰ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਲੀਟ ਕਮਾਂਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਐਡ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਲੀਟ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕਮਾਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਂਡਸ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ।